Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम बात करेंगे negative cash के बारे में tally में. तो चलिए इस वीडियो को start करता हूँ और tally को open कर लेते हैं हम. यहाँ tally open हो रही है और ये देखिए अब ये open हो चुकी है. यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं. यहाँ एक company पहले से बनी हुई है. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F11 press करता हूँ और आता हूँ, इंटर करता हूं और यहां से ये देखिए एक कंपनी नई बना लेता हूं. सबसे पहले अल्ट F3 प्रेस कीजिए, अल्ट के साथ F3 और यहां आइए, न्यू कंपनी बनाइए, क्रिएट कंपनी पे आ जाइए. मैं एक कंपनी बनाता हूं राम एंड श्याम नाम से, SHYAM. ओके, इंटर प्रेस करता हूं. यहां पे एड्रेस डालता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, न्यू कॉलोनी देवरिया, DEOR IA ये डाल दिया हमने. यहाँ पे यूपी डाल देते हैं, यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं. इंटर करता हूँ, सॉरी, इंटर प्रेस करता हूँ. यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पिन कोड 274001 ये डाल दिया हमने. यहाँ पे फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं. यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है. तो यहाँ मैं करता हूँ 1/4/2017 से लेकर 31/3/2018 तक, यही फाइनेंशियल ईयर की डेट होती है. इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं. ये एक्सेप्ट हो गया, हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई. अब हम उस कंपनी में लॉग इन हो चुके हैं. अब हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है. और राम एंड श्याम कंपनी में पहले पेरोल को ऑफ करना होगा, तो पेरोल को मैं यहाँ से कर देता हूँ नो और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेता हूँ. अब इस पर हमें काम करना है. किस प्रकार से काम होगा, तो हमें आना है सबसे पहले अकाउंटिंग बाउचर पे, ठीक है, और हम अब इसमें एंट्री बनाएंगे. तो F8 प्रेस करता हूँ, चूँकि हमें सेल्स बाउचर में एंट्री बनानी है तो F8 प्रेस करता हूँ, ठीक है. F8 प्रेस करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले डेट चेंज करना है, ठीक है, 1/4/2017 था, 17 कर देते हैं हम, ठीक है. अब यहां पर कोई नंबर दे देते हैं, रेफरेंस नंबर. अब यहां पर जब आते हैं तो पार्टी नेम पूछता है, तो यहां पर हमें सन्ड्री डेटर का नाम देना है, ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूं उमेश, ठीक है, उमेश दे दिया हमने. और यहां पर सन्ड्री डेटर हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है, सन्ड्री डेटर, ठीक है. अब उसके बाद एंटर करते हुए नीचे आ जाइए और यहाँ इनका एड्रेस डाल दीजिए. जैसे मैं डालता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, DEORIA. ओके, एंटर करिए, एंटर करिए. यहाँ पिन कोड डाल दीजिए. पिन कोड डालने के बाद नीचे आइए और इसको कर लीजिए आप एक्सेप्ट. ये एक्सेप्ट हो गया, आप इसको भी एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए. यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे हमें बनाना होता है लेजर. अब देखिए जैसे ही मैं लेजर बनाता हूँ, तो अब लेजर भी बनाने से पहले हमें गोडाउन बनाना होगा, ठीक है. चलिए लेजर बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है. शुगर डाला हमने प्राइमरी और ये ग्रोसरी का आइटम है, तो यहाँ मैं लिखूँगा GRO. ग्रोसरी होता है किराना स्टोर से जो हम खरीदते हैं सामान, उसे ग्रोसरी बोलते हैं. इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने. यूनिट इसकी डालनी है तो अल्ट सी करके हम KGS बना लेते हैं, किलो ग्राम, ठीक है. इसमें थोड़ा वेट लगता है, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करिए 2 मिनट. यहां पे हम दे देते हैं 2 बल्कि 3 दे देते हैं. इंटर प्रेस करता हूं, इसको एक्सेप्ट कराता हूं, ठीक है. और यूनिट तो हमारी यही रहेगी. इंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए. अब यहाँ पर गोडाउन की बात आती है, तो हमने गोडाउन बनाया नहीं है, हम बना लेते हैं, ठीक है. हम बनाते हैं देवरिया गोडाउन, ये हमारा मेन लोकेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है. और यहाँ एड्रेस डाल देते हैं न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है, ये हमने एड्रेस डाल दिया. ये जो है मेन लोकेशन के अंतर्गत आएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए. अब आप एक्सेप्ट कराते ही क्वांटिटी पूछेगा कि देवरिया गोडाउन में जो कुछ रखना चाहते हैं वो क्या रखना चाहते हैं और कितना रखना चाहते हैं. तो हम यहाँ लिख देते हैं 1500
ठीक है, जो भी सामान रखेंगे 1500 तक रखेंगे। अब यहां देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया यहां क्या आ रहा है, नेगेटिव स्टॉक। ठीक है, तो नेगेटिव स्टॉक ये क्यों आया, ये सोचने वाली बात है। देवरिया गोडाउन में हमने कुछ रिसीव ही नहीं कराया और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रखा ही नहीं, गोडाउन बनाया नहीं, ठीक है, रखा ही नहीं उसमें। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वही हमें समझना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए शुगर हम जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं तो देवरिया गोडाउन में क्वांटिटी हम कितनी रख सकते हैं, 1500। ठीक है, जब हमारे पास 1500 रहेगा तब तो हम रखेंगे। तो बाहर आ जाइए आप, ठीक है, और यहाँ पर बाहर जब आइएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, और सबसे पहले हम नेगेटिव कैश की व्यवस्था कर लेते हैं कि नेगेटिव कैश हमारा ना आए। तो आप क्या करिए, रिसिप्ट वाउचर में आ जाइए। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, और यहाँ कोई नंबर हम दे, नंबर तो आ ही गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में आकर के यहाँ पर आना है, और यहाँ पर जो है क्रेडिट किसको करना है, ठीक है, और डेबिट किसको करना है, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, एक बार आप सोचिए, कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट जो होता है टैली में उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को हमेशा हम डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को, पहले लेजर बना लेता हूं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये किस में जाएगा, अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा, ये कर दिया हमने, इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ये कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा। ठीक है, ये एंटर किया हमने। अब डेबिट किसको करना है, तो कैश अकाउंट को करना है। ठीक है, तो ये कैश अकाउंट हो गया हमारा, कैश रिसीव्ड, ये लिख दिया हमने कैश रिसीव्ड, इंटरप्रेस किया, ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो अब हमारे पास कैश हो चुका है। ठीक है, अब हम चाहे तो कुछ खरीद सकते हैं, बिल्कुल। कैसे खरीदेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और क्या प्रेस करेंगे, F9 प्रेस कर लेते हैं, और नहीं तो यहां क्लिक भी कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने, तो यहां पर आ गए। अब सबसे पहले हमें डेट चेंज करनी है। ठीक है, डेट चेंज कर लेते हैं, या फिर यही रहने देते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे कोई नंबर डाल देते हैं। ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ मैं, और यहाँ पर अब हमें पार्टी का नाम देना है, तो यहाँ पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर का नाम देना है, तो मैं यहाँ नाम देता हूँ रमेश, RAMESH, रमेश किया हमने, और यहाँ दे देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कर दिया हमने। ठीक है, इंटरप्रेस किया, एक्सेप्ट करा लेता हूँ इसको, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया रमेश। ठीक है, अब सन्ड्री क्रेडिटर तो हो गया, अब हमको लेजर बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ शुगर, यहाँ पे मैं डबल आर करता हूँ, एक लेजर पहले से मौजूद है तो ये लेगा नहीं, इसीलिए डबल आर किया है मैंने। प्राइमरी में इसे रखेंगे, और ये ग्रोसरी आइटम है तो ग्रोसरी यहाँ कर देते हैं। यूनिट क्या है, KGS है, तो यूनिट भी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर इंटर करते हुए नीचे आ जाइए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब हमारे पास गोडाउन जो है, देखते हैं मौजूद है या नहीं, मेन लोकेशन है सिर्फ, तो हम गोडाउन बनाएंगे पहले। ठीक है, तो पहले देवरिया गोडाउन बनाते हैं हम। देवरिया में क्या, देवरिया नेम पहले से एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे कर देते हैं लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ गोडाउन बना दिया हमने, कृष्णा नगर लखनऊ, ये लिख देता हूँ मैं एड्रेस, कृष्णा नगर लखनऊ, LUCKNOW। ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ, और इसको हम कहाँ रखेंगे, अंडर मेन लोकेशन के ही रखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। ठीक है, एक्सेप्ट करा दिया। अब क्वांटिटी कितनी रखनी है, 66। ठीक है, 66 किलो हमने रख दिया। रेट क्या है इसका, 40 रुपये, ये हो गया हमारा। अब आते हैं देवरिया गोडाउन में, तो देवरिया गोडाउन में कितना रखना है, 660 किलो। ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ। ठीक है,
अब और भी कोई अगर आपको लेजर बनाना हो तो यहाँ लेजर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ राघव नगर, राघव नगर, ठीक है, इंटरप्रेस किया। अब ये राघव नगर कहाँ है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ राघव नगर, राघव नगर देवरिया, ठीक है, ये लिख दिया हमने, इंटरप्रेस किया। और यहाँ पर ये राघव नगर देवरिया जो है देवरिया के अंडर में जाएगा, इसको एक्सेप्ट करिए, ये हो गया। अब यहाँ पर जो सामान आएगा ये 690 किलो हमने रख दिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब हम लखनऊ में बनाएंगे, ठीक है, अंडर लखनऊ के बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आलमबाग, ये लिखा हमने, और यहाँ आलमबाग लखनऊ कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने कर दिया, एंटरप्रेस किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सामान रखेंगे 7000 किलोग्राम यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कराता हूँ मैं, तो अब देखिए यहाँ पे शुगर जो है कितना किलोग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है, सबकी डिटेल हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लीजिए आप, SALES सेल्स, ठीक है, और सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप। एक मिनट फिर से बनाइए, SALES सेल्स, ये परचेज के अंडर में है तो हमें परचेज ही बनाना होगा। यहाँ पर देता हूँ मैं परचेज, PURCHASE परचेज, देखिए यहाँ पे सेल्स नहीं बल्कि परचेज अकाउंट होगा, आपको ये ध्यान रखना है, इंटरप्रेस कीजिए, अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, हो गया। अब हमें जो दूसरा बनाना है, दूसरा आइटम डालना है, उसके लिए हम लेजर बनाते हैं। जैसे अब हमें देना है यहाँ पे मिल्क पाउडर, मिल्क PODER पाउडर फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, इंटरप्रेस किया, यहाँ पे आए, और यहाँ कैटेगरी में क्या डालेंगे, बेबी फूड, BABY FOOD, ठीक है, ये दे दिया हमने, एक्सेप्ट करा लिया। और ये क्या होगा, ये भी किलोग्राम में होगा, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे हम, और इसको एक्सेप्ट करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब किस गोडाउन में डालेंगे ये हमें सोचना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लखनऊ गोडाउन में डालना चाहते हैं, तो लखनऊ में देखिए एक आलमबाग बना हुआ है, तो आप लखनऊ गोडाउन कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर लखनऊ के मेन गोडाउन में आप डाल रहे हैं, ये अमाउंट है, और एक कितने का है, 500 रुपये का एक डब्बा आ रहा है, ये दे दिया आपने। उसके बाद जो है लखनऊ के आलमबाग में आ जाइए, आलमबाग में यहाँ पर 678 डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। फिर देवरिया में आ जाइए, देवरिया में मान लीजिए ये रख दिया आपने इतना, बस इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, ठीक है। तो ये परचेज हम कर रहे हैं अभी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हम अभी परचेज कर रहे हैं। अब इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब हमारे पास परचेज हमने कर लिया है, अब हमको सेल करना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब हमको सेल करना है, तो F8 प्रेस कीजिए, सेल्स वाउचर में आ गए आप, यहाँ कुछ सेल्स का नंबर डाल दीजिए आप। यहाँ पर हमें सन्ड्री डेटर लेना है, लेजर बनाना है सन्ड्री डेटर, जैसे मान लीजिए राम केवल, ये हमारे सन्ड्री डेटर है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर, ताकि सन्ड्री डेटर जो हमारा खरीदता है सामान उसे हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं। इंटरप्रेस करता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, और एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर राम केवल जो है, जैसे मान लीजिए राघव नगर के हैं, राघव नगर, ठीक है, ये दे दिया हमने। तो इसके बाद जो है इंटर करते हुए ये यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए 274001, ठीक है, इंटरप्रेस करते हुए आ जाइए नीचे, एक्सेप्ट करा लीजिए, और इसको भी एक्सेप्ट कराइए। यहाँ पर जब आप आइएगा तो यही चीज़ें अब आपको बेचनी हैं, ठीक है, जो आपने लिखा है बिल्कुल वही चीज़ें आपको बेचनी हैं। अब जैसे मान लीजिए राम केवल हैं, तो ये अब क्या मांगेंगे आपसे, कहेंगे हमें शुगर दे दीजिए या मिल्क बेबी पाउडर दे दीजिए, जो भी है, ठीक है, तो आलमबाग वाले से मांगते हैं, नहीं बल्कि देवरिया वाले से मांगेंगे, तो ये देवरिया वाले गोडाउन से इनको चाहिए, ठीक है, और 66
जो पैकेट हैं इनको चाहिए। और रेट क्या है इसका, जैसे रेट हमने बता दिया 700 रुपये, 200 रुपये हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो ये हमने बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, अब सेल्स वाउचर में आ गया ये। अब इसके बाद जो है हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए शुगर का, तो शुगर हमारे पास कितना है, जितना भी अमाउंट है, जैसे मान लीजिए देवरिया गोडाउन में क्या है, ये देवरिया गोडाउन है। अब जैसे मान लीजिए 500 किलोग्राम इनको चाहिए, देखते हैं है या नहीं, है बिल्कुल है। और शुगर जो है 40 रुपये किलो के हिसाब से हम बेचेंगे, या यहाँ पे कर देता हूँ मैं 42 रुपये किलो। ठीक है, और इसको एंट्री करके यहाँ पे आ जाइए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, इसी तरह से और भी आइटम्स हमें चाहिए होंगे तो हम और भी आइटम्स का यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द गुड्स हैव बीन सोल्ड, हैव बीन सोल्ड, सामान बेचा गया। ठीक है, ये हमने एंट्री कराया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे कहाँ पे, डिस्प्ले में चल के इसको देखेंगे। तो राम केवल नाम से हमने बनाया था, यही हमारा सेल्स वाउचर में था। तो ये देखिए, इसको अगर हम अल्ट के साथ पी दबाते हैं और प्रिंट करते हैं तो देखिए ये हमारा डिटेल आ गया है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। इसमें कहीं भी नेगेटिव स्टॉक नहीं आया जब हमने ये बनाया, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव स्टॉक वाला चक्कर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके टैली से संबंधित कोई और भी सवाल हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या एक्सेल से रिलेटेड, ठीक है, या फोटोशॉप से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।